दोस्तों नमस्कार, कैसा है आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस मोहित। तो मैं आज फायर बोल्ट वॉच के बारे में सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप शॉपिंग से लेके उसके बाद आपकी वॉच रिसीव हो जाती है, कैंसिल करना है या फिर सर्विस करना है या फिर दोबारा रिप्लेस होना, तब तक में कितना टाइम लगता है और उसके क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात कि आप जब भी फायर बोल्ट की वॉच को ऑर्डर करिए तो आप जेन्युइन साइट से ऑर्डर करिए। ये चेक कर लीजिएगा कि फायर बोल्ट की ओरिजिनल ही साइट है, वहीं से ऑर्डर करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो चुका है मेरे पास मैसेज या कमेंट आए थे कि उनकी वॉच उन्हें रिसीव ही नहीं हुई, कहीं और डिलीवर हो गई थी। अब बात करते हैं कि आपको वॉच किस साइट से खरीदना चाहिए। तो मैं ज्यादा प्रेफर आपको बोलूंगा अगर फ्लिपकार्ट और अमेजन से खरीदिएगा। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर चेक कर लीजिएगा क्यों अमेजन और फ्लिपकार्ट से ही लेना चाहिए, तब आपको ज्यादा फायदे वहां मिलते हैं। उसके बाद अगर आपकी वॉच रिसीव हो जाती है तो जब भी आपको अपनी वॉच की बॉक्स को ओपन करना है तो आपका उसका एक प्रॉपर वीडियो शूट कर लेना है। आप कोई भी प्रोडक्ट, वॉच की बात नहीं, आप कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब भी प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है आप उसको ओपन करते हैं, बॉक्स को कट करते हैं, निकालते हैं उस प्रोडक्ट को बाहर, तो आप उसका एक शॉर्ट वीडियो जरूर बना लीजिए, क्योंकि जब वॉच या कोई प्रोडक्ट टूटा फूटा रहता है तो आपको रिटर्न करने में आसानी से रिटर्न हो जाता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको प्रोडक्ट लेना ही नहीं है, आपने ऑर्डर किया उसके बाद आपको फायर बोल्ट की वॉच को कैंसिल करना है, तो आप उन्हें तुरंत भी अगर ईमेल से मैसेज कर देंगे तो भी वो तुरंत कैंसिल नहीं करते हैं। अगर उसका भी प्रोसेस नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है कैश ऑन डिलीवरी, और आपने अगर पहले पैसे पेड कर दिए हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है कि आप उसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो जिनको ये प्रॉब्लम होगी वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक उसका भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं रिफंड की। मान लीजिए जिन्होंने पहले पेड कर दिया है उनका रिफंड कैसे मिलेगा वो कैंसिल अगर करते हैं, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया हूं, वो आप चाहें तो रिफंड वाला ही वीडियो आप देख लीजिएगा। हाँ, रिफंड में थोड़ा टाइम लगेगा और आपको थोड़ा परेशानी भी होगा, मैंने सब कुछ उसको इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन आपका रिफंड मिलेगा जरूर, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपकी वॉच रिसीव हो गई है, अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजन से लिए और 7 दिन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप फ्लिपकार्ट अमेजन वालों से कुछ बात भी कर सकते हैं, तो वहां आपका हो सकता है आपको कोई भी सुविधा मिल जाए इजीली ढंग से, जो भी रिप्लेस या चेंज हो जाए। लेकिन अब हम बात करेंगे उनके बारे में जिन्होंने फायर बोल्ट की साइट से मंगाई है और उनकी वॉच एक दिन बाद या 24 घंटे बाद ही खराब हो जाती है, वो क्या करेंगे। तो उनकी मजबूरी हो जाती है, उन्हें आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, और कंप्लेन कैसे करते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया, आप उसे भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक दे दूंगा। उसके बाद आपको अगर सर्विस के लिए भेजना है तो आपको सर्विस जब भी आप कंप्लेन करेंगे, बाकी मैंने एक नंबर भी दिया हुआ है उस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप सर्विस उस पर भी, उस नंबर पर भी कॉल करके अपना पता कर सकते हैं कैसे सर्विस होता है, कैसे रिटर्न होता है, आप उसे भी देख लीजिएगा। मैं जितनी वीडियो बना चुका हूं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके जब भी आप अगर सर्विस के लिए कंप्लेन के लिए करते हैं कॉल से चाहे मेल से, तो उसमें आपको 2-3 दिन का प्रोसेस लग सकता है, या उसमें आपको टाइमिंग दी जाएगी 7 से 10 दिन की भी टाइमिंग दी जा सकती है, तो आपको उतने दिन वेट करना है, उतने दिन के अंदर कोई ना कोई उनका कोरियर बॉय आएगा जो आपकी वॉच को लेके चला जाएगा सर्विस के लिए, और वो मेल से जब उनका मेल आएगा कि आपको इतने दिन में सर्विस दी जाएगी, तो वहां आपको नीचे एक रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा, फिर आप इजीली ढंग से जब वो वॉच आपका लेके जाएगा तो उसे रेफरेंस नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वॉच कहाँ पहुंची है। मेरे पास जितनी जानकारी उसके हिसाब से आप कहीं भी वॉच को, मतलब कहीं से भी सर्विस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो नोएडा की तरफ जाती है, मतलब नोएडा में ही जाती है, वहां पर जो बंदा उस वॉच को रिसीव करता है रेफरेंस नंबर उसके और टाइमिंग सब कुछ आपको उसमें शो करता है, जब उसे चेक करेंगे कि मेरी वॉच कहां तक पहुंची है। अब बात कर लेते हैं सर्विस के बाद। अगर सर्विस के बाद, अभी मुझे कंफर्म नहीं पता है कि सर्विस के बाद, अगर आप लोग को किसी को पता होगा तो बताइएगा कि सर्विस हो जाने के बाद आपको कोई एसएमएस या मेल आया है कि नहीं। हाँ, एक दो लोग मेरे को बताया था कि जब आपकी वॉच सर्विस हो जाती है तो आपको एक एसएमएस या फिर मेल आपको आ जाता है कि आपकी वॉच यहाँ से निकल चुकी है 2-3 दिन के अंदर, या जो भी 4-5 दिन के अंदर आपको टाइमिंग दे जाती है प्रॉपर, उतने दिन में आपकी वॉच आपको डिलीवर हो जाएगी। ये तो बात हो गई रिप्लेस की, जब आप वॉच को खराब हो जाएगी तो रिप्लेस कराएंगे या सर्विस जो भी उसको समझ लीजिए। अब बात करते हैं रिटर्न की। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग वॉच को ले लिए हैं लेकिन उन्हें बाद में पता चला है कि इसकी सर्विस बहुत ही खराब है, तो वॉच में कोई शिकायत नहीं रह रही है, फिर भी लोग सोच रहे हैं कि उसे मैं रिटर्न कर दूं और अपना रिफंड वापस ले लूं। तो जो भी रिटर्न के लिए पीछे पड़े हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहली बात कि बिना किसी शिकायत के कंपनी रिटर्न तो नहीं करेगी। हाँ, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उसको एक बार सर्विस के लिए कुछ भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम बता के उसको भेज सकते हैं, जब वॉच आपकी रिप्लेस करके आ जाएगी दोबारा, अगर दोबारा से उसमें सेम प्रॉब्लम आती है, कुछ और प्रॉब्लम बढ़ जाती है,
फिर आप उसको सर्विस के लिए डालते हैं, तब उनसे आप जो मैंने वीडियो बनाया नंबर दिया है उस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं कि सर मैंने आपसे यहाँ सर्विस करा चुका हूँ, ये दूसरी वॉच आई है फिर भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे रिटर्न कर लीजिए अपनी वॉच को और मुझे रिफंड चाहिए। तब अगर वो एग्री हो जाते हैं तब आपका रिटर्न का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तब आपको रिफंड मिलेगा। अन्यथा अगर आपकी वॉच में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सोच रहे हैं डायरेक्ट मैं कस्टमर केयर को कॉल करके या कंप्लेन करके बोल दूं कि रिटर्न हो जाए मेरी वॉच और मुझे रिफंड मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और मेरी राय यही है कि बेहतर अगर आपकी वॉच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भले ही आप उसकी सर्विस के बारे में समझ गए हैं कि बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी आप उसको यूज करिए, क्योंकि जो लोग रिफंड के पीछे पड़े हैं, जिनका पैसा फंसा है, वही लोग समझते हैं कम से कम 20-25 दिन लग जा रहे हैं पैसे आने में। तो आपकी वॉच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे रिटर्न एक्सचेंज के चक्कर में ना पड़े कि 2-3 बार एक्सचेंज करा के फिर रिटर्न में डाल लेंगे। आप उसको इजीली ढंग से यूज कर लीजिए, बाकी जब प्रॉब्लम होगी तब तो सर्विस के लिए आपको 1 साल की वारंटी तो मिलती ही है। और बहुत लोग पूछ रहे थे सर्विस के लिए कि सर मेरे वॉच की डिस्प्ले टूट गई है। तो दोस्तों डिस्प्ले टूट गई है, कुछ भी अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम होता है आपको ऊपर से, तो कंपनी उसका इशू नहीं मानती है, आप वो उसको चेंज में नहीं कर सकते ना उसके लिए वो सर्विस देगी। हाँ कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती है, आपकी वॉच ऑन ऑफ होती है, कोई फंक्शन काम नहीं करता है या फिर ऑफ हो जाती है, ओपन नहीं होता है, तब उसके लिए वारंटी आप क्लेम कर सकते हैं या सर्विस के लिए भेज सकते हैं। ये नहीं कि आप दीवार में कहीं लड़ा दिए या फिर आवाज को आपकी क्रेक हो गई टूट गई तो उसके लिए कंपनी कोई भी वारंटी नहीं देगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में इंस्टाग्राम पे आके जरूर बताएं, और आप नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।